है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो सफाई कर्मचारी हैं वो हंगामा क्यों काट रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या मामला हो गया भाई, आज ऐसा हंगामा क्यों काट रखा आप लोगों ने? साहब जी मेरे एक कर्मचारी को थप्पड़ मारा जी, जय साहब ने नाजायज गुंडागर्दी दबंगगिरी कर्मचारियों के साथ अत्याचार हो रहा है, इसलिए कर्मचारी यहाँ आए हैं, अपनी आवाज लेके मीडिया द्वारा योगी तक पहुँचाएंगे। अत्याचार बिल्कुल नहीं सहेंगे कर्मचारी, इसका मतलब ये नहीं कि हमें कोई दबाएगा गुंडागर्दी दिखाएगा। अधिकारी आना तो अधिकारी का पालन शासन करे, ठीक है? गुंडा मारा, थप्पड़ किसको मारा? क्या कहोगे? सामने थप्पड़ मारा तुम्हारे? मैं वहाँ पे बैठा था, इस मारा था उन्होंने। मतलब क्या हुआ था, मुझे पूरा बताओ प्रकरण क्या हुआ था? मैं पंचिंग मशीन लेने गया था, है नहीं, सुपरवाइजर ने भेजा था, है नहीं, सुपर तो वहाँ पे बैठा था, वहाँ पे एकदम रैपट मारा मेरे बहुत गाल पे, बहुत उन्होंने जय साहब ने। क्या नाम है जय का? मदन पाल। अच्छा, तुम बैठ गए थे इसी पे? हाँ, हमारे सामने को सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, मदन पाल को सस्पेंड करो। उन्होंने नुकाई कि हमारे सामने बैठेगा, तेरी औकात है। कह रहे तेरी औकात है, तू है क्या? ये बोला कि नालिया कीड़ा नाले में। क्या कहेंगे, क्या हुआ आज तुम्हारे कर्मचारी साहब? हमारा तो एक ही रोना है, सुबेरी से यही हो रहा है। जय साहब ने जो करा, हम उस चीज के बिल्कुल तह दिल से हम सस्पेंड चाहते हैं। जय साहब, जय साहब, जय साहब, जय साहब, जय साहब। क्यों मारा, थप्पड़ मारने की नौबत क्यों आ गई? आखिर क्या गुनाह किया था तुम्हारे सफाई? दलित समाज से हम, इसलिए दलित हैं, हम दलित हैं, इसलिए क्या जरूरत है? एक बात बताओ, सुनो भाई साहब, एक चीज बताइए सर, मुझे ये बताइए, क्या सोफे पे बैठना गुनाह है? नहीं, कोई गुनाह है। फिर हमारे सुपरवाइजर, अगर हम कोई गलती कर रहे हैं, हमारे सुपरवाइजर हैं, उनके ऊपर एक नायक है, उन्हें कहो आप थप्पड़ क्यों मार रहे हो, ये बताइए आप। अब आपकी मांग क्या है? जय साहब सस्पेंड, जय साहब सस्पेंड। क्या क्या नाम है जय का? मदन पाल। क्या मांग है? इंसाफ चाहिए, इंसाफ। क्या हो गया भाई? इंसाफ चाहिए मुझे, इंसाफ सस्पेंड होना चाहिए, जय साहब सस्पेंड होना चाहिए। जय साहब का काम है इलेक्ट्रिशियन बोर्ड देखना, क्या काम है जय का? उसका काम है बिजली विभाग देखना, ना कि सफाई कर्मचारियों के बीच में आना या विरोध प्रदर्शन करना। ये तो एक सरासर गुंडागर्दी है, दबंगगिरी है। सारी आरोप लगा रहा है जय पर, उसे थप्पड़ मार दिया, सफाई कर्मचारी के थप्पड़ मारा। हम यहाँ थप्पड़ खाने आ रहे हैं क्या? अपने घर छोड़ के सुबेरी आते हैं, हम अपने घर जो छोड़ कर आ रहे हैं, थप्पड़ खाने के लिए आ रहे हैं क्या? दुनिया का गंदा मुंह उठाते हैं, मेहनत करते हैं, 5-4 बजे हम घर से निकल जाते हैं, कभी कभी 3 बजे निकल जाते हैं, और अगर 2 मिनट भी लेट हो जाते हैं तो हमारी पंचिंग काट दी जाती है। अधिकार के लिए हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, सस्पेंड करा जाए। थप्पड़ क्यों मारा गया, इसकी क्या रीजन रहा होगा, क्या वजह? ये चीज सोफे पे बैठ गया कर्मचारी हमारा, उनके औकात नहीं है ना, हमारे मामूली इंसान है, कर्मचारी है। कौन बोलता है तुम्हारी औकात नहीं है? उसके बोलते हैं बड़े बड़े अधिकारी, बोलते हैं सारे, जय साहब भी बोलते हैं हमारे, ये कहते हैं तुम्हारी औकात नहीं, हमारे सामने खड़े हो। हमें जय मदन पाल जी, हाँ जी यही बोलते हैं। आप क्या कहोगे आज? एक बोलते हैं कि हमारी तुम्हारी औकात नहीं, हमारे बराबर में आप बैठो। ये सोफे पे बैठ गया था, उस पर क्या गुनाह करा उसने सोफे बैठे? ये सुपरवाइजर को फोन ही तो कर रहा था वो, कि यहाँ मशीन नहीं है, कि नहीं मिल रही है, कुछ भी बात ही तो कर रहा था। इस सोफे पे ही बैठ गए और भी सारे बस सस्पेंड का नाम कर देगा, ये कर देंगे क्या हम, वो कर देंगे सर। जैसे कि आप जानते हो, हमारे जो शालिनी गुप्ता हमारी ईओ मैडम है, क्या एक बात बताइए, इतने कर्मचारी झूठ बोल रहे हैं, एक कर्मचारी के चक्कर में अभी तक हमारी मैडम हमारे पास नहीं आई, क्या भाई ऐसा क्यों कर रहे हो आप, क्यों ऐसा क्यों साहब? हम दलित है इसलिए, आप बताइए, एक हमारी जो मैडम है ईओ मैडम, उसको आकर हमारी परेशानी नहीं सुननी चाहिए? वो किस लिए आई है? हमारे लिए तो आई है, सब सबको सब मतलब है, हमसे कोई मतलब नहीं, हमारी औकात अब हम उनको ये दिखाएंगे। और मेरे भाइयों सभी से कहना चाहता हूँ, नगर निगम हो या नगर पंचायत हो या नगर पालिका, ये एक के मुँह पे चाटा नहीं है, बिरादरी के मुँह पे चाटा है। अब मैं हम उनको दिखाएंगे कि हमारी औकात क्या है, ये अब हम उनको दिखाएंगे कि हमारी औकात क्या है। सभी के ऊपर चाटा होता है वो, तो क्या करते हैं वो लोग, हम मामूली कर्मचारी तो हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं वो लोग, मामूली नहीं है अफसर, क्या करते? अगर यही किसी हम में से ही, हमारे भाइयों में से यही व्यवहार उन अफसर के साथ कर दिया होता तो
वो एक्शन क्या लेते, अब तक इतनी देर लगाते। क्या कहोगी एक सफाई कर्मचारी को, आपके भाई को थप्पड़ मारा, ये आरोप ये लगाया जा रहा है जेई है, ये जेई साहब है, क्या इनका पहले से ऐसा ही माहौल रहता था कि आज गुस्से में आ गए, मौका ऐसा दे? जी उनका व्यवहार ही ऐसा है, सबके साथ ऐसा है, वो कभी किसी कर्मचारी को कुछ नहीं समझते हैं, सिर्फ हमें धमकी देते हैं कि पंचिंग हटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, नौकरी से हटा देंगे, पंचिंग हटा देंगे। अच्छा आज योगी जी आने वाले हैं, योगी उत्तर प्रदेश, क्या कहेंगे योगी जी से, क्या कहना चाहती हैं आप लोग योगी से, क्या कहना? हम योगी से यही कहेंगे हमें इंसाफ मिले। क्या कहना है भाई? हमारा कहना है कि हमें इंसाफ मिले, हमें किसी से कोई गिला शिकवानी है, हमें इंसाफ चाहिए। आज ये हमारे मुंह पे चाटा नहीं, हमारी जितनी भी नगर पालिका है, नगर निगम है, ये हमारे समाज के मुंह पे चाटा है, ये हमारे समाज के ऊपर चाटा लगा, हमारे भाई के ऊपर चाटा नहीं लगा। प्रधानमंत्री तो पैर धोते हैं यार दलितों के, ये हमारे चाटा मारते हैं, ये हमारे पैर धोते हैं, ये हमारे चाटा मारते हैं, हमारी औकात बताते हैं कि वाल्मीकि समाज है। ये अधिकारी को इतना अधिकार होता है क्या कि वो चाटा मारते किसी? वो किसी को अधिकार नहीं होता है, किसी को अधिकार नहीं होते हैं। पहली बार आप लोगों के साथ हुआ है या पहले भी कभी ऐसा? वो कई बार, हर बार होता है हमारे साथ, हमेशा होता है हमारे साथ, ये हमेशा होता रहा है। ये गरीब आदमी पीटा लग रहे हैं, फिर इन्हें लिखवा कर और ले ले, आगे तो ना करे शपथ पत्र, किस चीज का शपथ पत्र दे हम इनको? ये जो शपथ पत्र मांगते किस चीज का शपथ? हमने मर्डर किया है, किसी के साथ बदतमीजी की, हम शपथ पत्र नहीं देंगे, हमें इंसाफ चाहिए बिल्कुल। शपथ पत्र अभी भी मांगा जा रहा है, अभी भी मांगा जा रहा है क्या कि पंचिंग काट देंगे तुम्हारी, गुंडागर्दी अभी भी दबंगगिरी दिखाई जा रही है, तक हमारे पास नहीं आया। क्या नाम है ठेकेदार का? नीरज शर्मा। नंबर है जी उसका? लगाएंगे नंबर? बिल्कुल सर, नंबर लगाएंगे सर, ठेकेदार जी से ही बातचीत करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तस्वीर आप देखिए, आज यहाँ पर योगी आदित्यनाथ का भी आगमन है, और उससे पहले की ये तस्वीर, अधिकारियों के हालांकि हाथ पैर फूल चुके हैं इस खबर को देखने के बाद, लेकिन अधिकारी इन कर्मचारियों से मिलने तक नहीं आ रहे। शालिनी गुप्ता जो अधिकारी हैं, वो यहाँ की अधिशासी अधिकारी हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि वो अभी इनसे मिलने नहीं आ, अगर उनकी गलती नहीं आ तो वो सामने आए, जब उनकी गलतियां हो इसलिए सामने नहीं आ रहे, क्योंकि उनकी गलती है, उनको मानना पड़ेगा, उनको यहाँ से सस्पेंड चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। बोल बे बोल। क्या कह रहे थे? मैं साहब ये कहता हूँ, एक तो इंसाफ होना चाहिए, ये कर्मचारी है ना, अपना पेट अपनी कमाई तक, नगर पाल से गए अभी तक कोई भी अधिकारी नहीं आया, क्या हुआ तुम्हारे साथ में, क्या नहीं हुआ, किसी ने भी नहीं पूछा अभी तक आके, कोई भी पूछने वाला नहीं है, वहाँ से कोई सा भी अफसर नहीं आया, ना कोई लेडीज आई है, ना आपको, आप ये तस्वीरें जरा देख सकते हैं, पूरा ये NH-24 है, ये NH-24 है जो गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ जाता है, लेकिन आज ये तस्वीरें जरा देखिए कि यहाँ पर जो सफाई कर्मचारी हैं, उनका ये आरोप है कि यहाँ के जेई मदन पाल ने हमें, हमारे एक सफाई कर्मचारी को सिर्फ इस वजह से थप्पड़ जड़ दिया कि सफाई कर्मचारी सोफे पर बैठ गया था, और सफाई कर्मचारी दलित यानी वाल्मीकि समुदाय से आता है, तो जेई साहब को ये रास नहीं आया, और जेई साहब ने एक सफाई कर्मचारी मदन पाल जेई, जिनका नाम बताया जा रहा है, जो नगर पालिका में पढ़े लिखे एजुकेटेड डिग्री वाले जेई साहब हैं, उन जेई साहब ने सफाई कर्मचारी के थप्पड़ जड़ दिया। और उसके बाद की जो तस्वीर है, वह तस्वीर आप देख सकते हैं कि गाजियाबाद के खोड़ा नगर पालिका में जो आक्रोश है वो अब सड़कों पर आपको नजर आ रहा होगा, और आक्रोश की वजह से यहाँ पर जो लोग हैं वो इस वक्त अपना गुस्सा बयां कर रहे हैं, और उनकी यही एक मांग है कि जेई मदन पाल को यहाँ पर सस्पेंड किया जाए, या फिर कोई कानूनी कार्रवाई मिले की जाए, जिससे कि हमें यानी कि इन सफाई कर्मचारियों को इंसाफ मिल सके। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, खोड़ा नगर पालिका क्षेत्र से।